Continuing with the video, let's come up to NCERT question answers of chapter 5, surface chemistry. So first question is, distinguish between the meaning of the term adsorption and the absorption. Give one बहुत ही simple question है और बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है ये boards exam में for 2 marks. तो एड्सॉर्प्शन बेसिकली सरफेस फिनोमेना होता है और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना होता है. दोनों के कॉमन एग्जांपल है चॉक डिप्ड इन ब्लू इंक. तो सरफेस एक्चुअली एड्सॉर्प्शन उसमें यह है कि जो सरफेस ब्लू हो जाता है और एब्जॉर्प्शन ये है कि अंदर तक वाटर पहुंच जाता है और यूनिफॉर्मली होता है. ठीक है, इसमें थोड़ा एड्सॉर्प्शन जो है ये इसे सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं. ठीक है, तो आ सकता है कि एब्जॉर्प्शन इज अ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. एक्सप्लेन, इट इज बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर एट द सर्फेस एंड लेस इन बल्क. आपको ये लिखना है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मोर एट द सर्फेस एंड लेस इन बल्क. एग्जाम्पल चॉक डिप्ड इन ब्लू इंक विल बी ब्लू एट इट्स सर्फेस बट व्हाइट इन साइड. एब्जॉर्प्शन, इट इज अ प्रोसेस इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज यूनिफॉर्म. ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट. एग्जाम्पल कॉटन डिप्ड इन ब्लू इंक विल बी यूनिफॉर्मली ब्लू. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत. ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वर्ड एक्चुअली इससे 4 या 5 नंबर का आता है, तो इतना कुछ ज्यादा कुछ बहुत खास नहीं आता है कि बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड ही कुछ आ रहा है. बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं. अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन भी अच्छे से करोगे इन टेक्स्ट एनसीईआरटी तो बहुत है. आई थिंक फॉर बोथ इट्स इनफ. वह तो कितना ही कर लो, इनफ नहीं होता है. बट मैं आपको बता रही हूँ कि इनफ है, ज्यादा कुछ भी नहीं आता है. बाकी इसकी एप्लीकेशन वगैरह जो थोड़ी बहुत बुक में दे रखी हैं वो कर लेना. सो मैं बार बार टॉपिक से हट जाती हूँ. तो ये हमसे इस क्वेश्चन में फिजियोज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं. फिजियोज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन. तो फिजियोज ऑप्शन वो होता है जो कि रिवर्सिबल होता है, जो कि वीक वांडर वाल्स फोर्सेस से होता है. ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीक वांडर वाल्स फोर्सेस.